राजेश नाइक की मांग, नियमित करें इमारतों पर बने हुए दर सेट, मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने भरी हामी। अरवली के भाजपा विधायक गणेश नाइक ने नवीनबई मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से शहर की इमारतों के ऊपर बनाए गए वेदर सेट को वैध और नियमित करने की मांग की। दरअसल इमारतों पर टेम्परेरी परमिशन के साथ ऐसे वेदर सेट सिर्फ मानसून में लगाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश इमारतों ने इसे परमानेंट कर दिया है, जिसके खिलाफ मनपा नोटिस भेजकर कार्रवाई कर रही है। गणेश नाइक ने कहा, ऐसे वेदर सेट इमारतों की सुरक्षा के लिए जरूरी हो गए हैं, इसलिए लोकहित में इन्हें नियमित किया जाना चाहिए। उन्होंने आयुक्त से नोटिस और कार्रवाई रोकने की भी मांग की। एक कोकण का इलाका है, यहाँ पे भारी प्रमाण में बारिश होती है और ये बारिश के वजह से जो एक 20-25 साल पहले जो बिल्डिंग्स बन गई, उस वक्त का रेती का दर्जा देखते हुए, उस वक्त का सीमेंट का दर्जा देखते हुए और सभी बिल्डिंग मटेरियल का दर्जा देखते हुए, वहाँ वो बिल्डिंग से लीकेज सिपेज भारी प्रमाण पे होता है और वो बिल्डिंग की लाइफ कम हो जाती है, रहने वाले लोग त्रस्त हो जाते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे एक पत्रे का शेड लगाया है, वहाँ पे कोई रहने को कोई होटल विटेल कुछ नहीं, कुछ उधर लगाया नहीं है, फिर भी कहीं राइट टू इंफॉर्मेशन वाले RTI के लोगों को सताने के लिए ये लोगों की जरूरत के चीज पे भी तकरार करते हैं और वो तकरार के मुताबिक फिर महापालिका के अधिकारी को कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि DP प्लान जब पास हुआ, वो DP प्लान में उप सूचना के माध्यम से ये ADTP डिपार्टमेंट के माध्यम से नगर विकास डिपार्टमेंट को ये बताया जाए कि भाई नई मुंबई या कोंकण विभाग में जो भी इमारतें जो 30 साल पहले बनी है, 25 साल पहले बनी, उसकी स्थिति बदतर है, तो उनको वो शेल्टर डालने की अनुमति मिलनी चाहिए। DP प्लान में वो पास हो गया, राज्य शासन के पास गया है, राज्य शासन से अभी DP प्लान को अप्रूव आएगा और DP प्लान अभी मेरे अंदाज से 1.5 महीने के अंदर वो लोगों के लिए खुला जाएगा। और वो दरमियान अभी जो आज की तकरार है, वो तकरार के बारे में आयुक्त महोदय से हमने बात की है, आयुक्त महोदय उस पर ध्यान देने वाले हैं। मनपा आयुक्त के साथ अपनी साप्ताहिक मुलाकात में लोक नेता गणेश नाइक ने कोरोना नियंत्रण उपायों की भी जानकारी ली और ICU बेड बढ़ाने का सुझाव दिया। इसके साथ ही विधायक ने नवीनबई में तेजी से बढ़ते प्रदूषण पर तीखी नाराजगी जताई और MPCB अधिकारियों के साथ चर्चा कर बीमारी बढ़ा रहे प्रदूषण को तत्काल रोकने जरूरी कार्यवाही की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि अगर प्रदूषण नियंत्रण पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। मैंने आयुक्त महोदय को मैंने अलग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और भारत सरकार के आरोग्य मंत्री महोदय ने भी ये बात को एक तरह से पाठिंबा जताया कि भाई ठंडी के कालखंड में कोरोना का प्रभाव बढ़ सकता है। ये कोरोना का प्रभाव बढ़ने की संभव ध्यान में लेते हुए अपन को सतर्क रहना पड़ेगा कि और बेड्स उपलब्ध करने लगेंगे, ऑक्सीजन के बेड्स उपलब्ध करने लगेंगे और वेंटिलेटर के बेड्स भी उपलब्ध करने लगेंगे और उसके लिए उन्होंने तैयारी दर्शाई है और मुझे विश्वास है कि आगे चल के नई मुंबई महापालिका के एरिया में जो भी कोई विक्टिम हो जाएगी उनको कम से कम गमों का सामना करना पड़ेगा। नहीं अभी नया मुंबई मध्ये येणाऱ्या किंवा असणाऱ्या लोकांपैकी जवळजवळ 35% लोक MIDCशी कनेक्टेड आहे, तर त्या ठिकाणी MIDCने सुद्धा जबाबदारी घेऊन करोना सेंटर त्या ठिकाणी उभा राहावेत, करोनाच्या गोष्टीकरता जागृती करण्याकरता MIDCने काही त्याच्यात रोल घ्यावा, अशा प्रकारच्या आयुक्तांनी त्यांना सूचना करावी आणि त्यांनी केलेल्या सूचनेचं पत्र मला द्यावं, जेणेकरून उद्योग विभागाकडे मी सुद्धा त्याचा पाठपुरावा करेन। इस दौरान जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, ITCL के प्रदेश संयोजक सतीश निकम, डॉक्टर जयाजी नाथ, अनंत सुतार, दशरथ भगत समेत तमाम भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद थे। तमाम पीड़ित नागरिकों ने यहाँ विधायक गणेश नाइक को अपनी शिकायत दी और न्याय दिलाने की गुहार भी लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।